अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर। दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है बीएसपी के सांसद दानिश अली के साथ। पहुंच जाता है सिर्फ दक्षिण पूर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, बचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, ए उग्रवादी बोले नहीं तो आ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ, ए उग्रवादी। अभी कुछ दिन पहले ही संसद में बीजेपी के सांसद रमेश विघोड़ी ने दानिश अली को मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी और न जाने ही कितने खराब खराब अल्फाजों का इस्तेमाल किया। अब जिन्होंने गालियां खाई दानिश अली, उन्हें ही अपनी सफाई देनी पड़ रही। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और अब रवि किशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखकर ये कहा है कि रमेश विघोड़ी ने दानिश अली के बारे में जो भी गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया उसके लिए दानिश अली खुद जिम्मेदार है। इन लोगों ने कहा कि जब रमेश विघोड़ी भाषण दे रहे थे तो दानिश अली ने पीएम मोदी इसके बारे में कहा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। वो बार बार रमेश विघोड़ी के भाषण में टोका टोकी कर रहे थे और उन्हें गुस्सा दिला रहे थे, जिससे आवेश में आकर रमेश विघोड़ी ने दानिश अली के बारे में इन सब गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में दानिश अली का कहना है कि निशिकांत दुबे हों या कोई और, अगर ये साबित कर दे कि मैंने कभी भी पीएम मोदी के बारे में कहा है कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, या और कोई भी गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है तो वो साबित करें, मैं राजनीति ही छोड़ दूँ। दोस्तों देश में आज ये हो क्या रहा है, जिस रमेश विघोड़ी ने दानिश अली को गालियां दी वो खुलेआम घूम रहा है, सम्मेलन कर रहा है, भाषण दे रहा है, उसे हंसते मुस्कुराते देखा जा सकता है जैसे उसने कुछ किया ही ना। और जिस दानिश अली को इतनी खराब खराब गालियां दी गई उन्हें ही अपनी सफाई देनी पड़ रही। जैसे कहते नहीं कि घोर कलयुग है, इतिहास इस बात को जरूर लिखेगा कि देश को इस बार कैसा लोकसभा अध्यक्ष मिला है। एक तरफ तो सिर्फ नारेबाजी करने पर आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को पार्लियामेंट के बाकी सेशन से सस्पेंड कर दिया गया, दूसरी तरफ इतने गंदे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करने वाले रमेश विघोड़ी पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, वो सरेआम घूम रहा है जैसे उसे मालूम है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखते हैं आगे कोई कार्रवाई होती है या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूरी होती है। अल्लाह हाफिज़।